Oh, Pindi Express has left the station, that's for sure. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल। और आप आज मेरे साथ मेरे से बेहतर, मेरे से ज्यादा फेमस, मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग, मेरे से बेहतर इंसान मेरे साथ आ चुके हैं। उनका नाम है शाहिद आफरीदी, मेरे का अच्छा दोस्त, बेस्ट ऑलराउंडर एंड द मोस्ट फेमस पर्सन इन पाकिस्तान। शाहिद कैसा है यार? हाउ आर यू शेबी? ठीक ठाक है, तगड़ा है। चौबीस घंटे देख रहा हूँ टीवी पे, तेरे अलावा नजर नहीं आ रहा आजकल, खैरियत है? नहीं यार, वो असल में क्रिकेट के बाद काम नहीं था ना, तो मैंने समझा यही काम बना लू। अच्छा शायद मुझे ये बताएं कि क्या कर रहे हैं, किधर हैं इस वक्त? मैं इस वक्त दुबई आया हूँ, कल ही आया हुआ था, बस उसके बाद दो दिन के लिए ऊपर इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान। अच्छा, वर्ल्ड कप देख रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस। और क्या देखते हैं? क्या देखते हैं यार शिवी, प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है जो पुरानी चलती आ रही है, प्रॉब्लम होती थी वही वाली। हम समझ रहे थे कि बेहतर हो जाएगी वक्त के साथ चीजें, लेकिन बहुत सारी टीमों ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है अपनी क्रिकेट में, अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई किया है उन्होंने। और वर्ल्ड कप के लिए अगर कोई टीमें आई हैं तो कोई भी टीम हो, बड़ी तैयारियों के साथ आएगी। हम वही गलतियां कर रहे हैं, आज भी हम फील्डिंग के लिए रो रहे हैं, आज भी हम फिटनेस के लिए रो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में की जो चीजें हैं जो आपको मैच जितवाती है, टीम को फील्डिंग होती है मेन, आपकी तो फील्डिंग का सेंटर हमारा। अभी तक कुछ अपॉर्चुनिटीज हमें लेनी चाहिए, हासिल करनी चाहिए। हमारा बड़े क्रिकेटर, बड़े प्लेयर्स जो है, बैट्समैन, वो बड़े कम मौके देते हैं, तो हम वो मौके जो है, हम ब्लैक एंड व्हाइट वाली क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तक, हम पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो पुराना जी नीचे से शायद अफरीदी आ जाएगा, रजाक आ जाएगा, तो हम सात की एवरेज से रन कर लें। अब दुनिया में पूरे के पूरे बैट्समैन, 11 के 11 बैट्समैन खेल रहे हैं, स्लॉगर्स नहीं है। शिवी, हमारे हमारे ये जो प्लेयर्स है ना, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इस वक्त जो एक ही प्लेयर इस वक्त है जो जिसकी कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस के अंदर, वो एक ही आपका बड़ा प्लेयर है, वो है बाबर आजम। ठीक ठीक है, आप इस बाबर आजम, लेकिन मैं बाबर आजम को, मैं मेरी ख्वाहिश है कि वो और बड़ा प्लेयर बने, जैसे विराट है, जैसे विलियमसन है। वो क्या करे, वो सिंगल ले लेते हैं, बड़ा प्लेयर बने, वो कैसे बनेगा? वो इस तरह तो नहीं बनेगा कि 50-60 बॉलें खेलो आप, 50-60 रन करो आप, और उसके बाद इतना मैच ना जीतो, बिल्कुल ठीक है, खेलो आप, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो बाबर जितना अच्छा प्लेयर है, उसको अपने रन को लंबा करना चाहिए। इंडियन प्लेयर्स की मिसाल आपके सामने, वो जब भी रन करते हैं वो लंबे रन करते हैं सारे, बिल्कुल ठीक है, 150-200 रन वन डेज में करते हैं वो। तो हमारे जो केपेबल प्लेयर्स हैं उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। रोहित शर्मा 50 के बाद तेज हो जाते हैं, ठीक है जी, सेट होकर तेज हो जाते हैं, फिर वो अगला 50 तेज करते हैं, रन बॉल नहीं करते, फिर 130 का स्ट्राइक रेट होता है। बाबर आजम वो 50 में स्लो हो जाते हैं, ये क्या वजह है यार शेवी? ये आपकी अप्रोच, आपकी सोच, आपको किस तरह बताई जा रहा है, गार्ड कौन कर रहा है, आप कोचिंग वो किस तरह लेवल की आपकी? तो 25-30 बॉलों का मतलब ये कि आपने काफी टाइम गुजार लिया, 25-30 बॉलों में आपको बॉल अच्छा फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आप जितने भी प्लेयर्स हैं, 6 रन 7 रन 6 रन 7 रन इस चीज को लेके चलते हैं। ठीक, अब जितने भी बैट्समैनों की सोच है वो बहुत डिफरेंट हो गई, बहुत डिफरेंट क्रिकेट हो गई है। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि अब फिर क्या करें, रीबिल्डिंग करें हर 20 साल बाद, हर वर्ल्ड कप बाद रीबिल्डिंग? एक हमारे पुराने साथी हैं जी, वो हर वर्ल्ड कप में एक ही लाइन है, सर अब रीवैम्प करें, अब दोबारा टीम बनाते हैं। यार शायद हमने, मैं मुझे याद है, जितना मैं और शायद जा रहे थे एयरपोर्ट में, शायद मुझे अचानक रोका है ना, तूने मुझे अचानक रोका, शुएब रुक जा रहे थे, बात सुन मेरी बात। तो मैंने कहा खैर है, क्या हुआ? हम मुल्तान जा रहे थे, तो मैंने कहा क्या हुआ शायद? तो कहता यार ये देख यार, इधर देख यार, ये पाकिस्तान टीम जा रही है। मैं कहा हाँ जा रही है, तो कहते तुम्हें एक भी स्टार नजर नहीं आ रहा सवाल तेरे मेरे। तो मैंने कहा ये बात तो सही है, कहते शुएब, तूने मुझे उस दिन कहा था 10 साल पहले 20 साल पहले कहा था, 11 साल पहले कि शुएब ये स्टार नहीं बनाएंगे ना तो इनके पास स्टार भी नहीं आएंगे। तो फाइनली हम वो ब्लैक एंड व्हाइट क्रिकेट खेलते खेलते हमने वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जिसमें हम बहुत पीछे रह गए दुनिया से। अब क्या करें, फ्यूचर अब क्या देखता है शायद अफरीदी? क्या देखता है यार, यार मैंने 20 साल पाकिस्तान से क्रिकेट खेली है, अब शायद अफरीदी क्या देखता है, अब क्या करें यार, किधर जाएं? यार शिवी बेसिकली ना, हम हमारे जितने भी स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, यार मैं राहुल द्रविड़ की मिसाल देता हूं।
अंडर 19 टीम के साथ उस लड़के को लगाया हुआ, कितना एक्सपीरियंस, कितना शायद उंगली हटा दे साइड पर, शायद उंगली हटा दे, अंडर 19 टीम के साथ लगाया हुआ है, अंडर 19 के बच्चों को सिखा रहा है जी। हमारे पास ऐसे मुल्क में है मोहम्मद यूसुफ हो गए, अब्दुल रजाक, यूनुस खान ही बन गए, यूनुस खान से ज्यादा प्रोफेशनल, मैंने भी लड़के बड़े कम, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी नहीं देखे होंगे। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं, ये आजकल के रिटायर्ड प्लेयर है कि वो आजकल की क्रिकेट को समझते हैं, तो उस हिसाब से इनको अंडर 19 टीम दे देनी चाहिए, प्लेयर इन बच्चों के साथ काम करो, मेहनत करो, तो इस तरह की सोच होनी चाहिए, हमें आना चाहिए आगे। बिल्कुल सही कहा, बेहतर से बेहतर। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो रिसेंट रिटायर क्रिकेटर हुए हैं, जिनकी अप्रोच मुस्बत थी, जरा अच्छी सोच के थे, मैच विनर्स से, उनको लाया जाए, बहुत थक गए हैं आप चेहरे पुराने देख देख के। अब नए लोग भी मेरे ख्याल में क्रिकेट को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्रिकेट बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, और क्रिकेट को जो है मेरे ख्याल में आई थिंक अकेडमी हमारी जो है उनके अंदर और ज्यादा स्किल्स के ऊपर काम होना चाहिए। आजकल जिस लड़के के पास स्किल्स नहीं, चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, बिल्कुल सही, स्किल्स ना हो जिसके पास, वो नहीं, वो समाया नहीं कर सकता। ठीक ठीक, चलो जी, लास्ट टू क्वेश्चन आपसे हैं। आप ये बताएं कि यार हमारे फैमिली को क्यों ड्रैग किया जाता है कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर, सानिया मिर्जा को ड्रैग कर दिया उन्होंने, शोएब मलिक अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो आप शोएब मलिक पे क्रिटिसिज्म रखे ना, आप फैमिलीज को क्यों ड्रैग करते हैं बीच में? ये भी ये बताओ कि ये पहली दफा ये चीज हुई है? नहीं, ये आखिरी दफा भी नहीं हुई, ये जब भी आप हारते तो ये सारी चीजें तो होती है, आई नो, इसलिए कि आवाम को, लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है कि कुछ करें हम, पाकिस्तान क्रिकेट से लेके लवर्स है, और लेकिन मीडिया का थोड़ा सा मैं समझता हूँ रोल थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, मीडिया का रोल मेरे ख्याल में पॉजिटिव, इसलिए कि हर कोई टीवी चैनल्स के सामने बैठता है, तो टीवी को पॉजिटिव लोगों को बात करनी चाहिए। अब पाकिस्तान में प्रेशर हट गया लास्ट 4 मैचेस, अब पाकिस्तान क्या करे, खुला प्रेशर फ्री क्रिकेट खेले, अब तो पहुंचना तो है नहीं, मार धाड़ करके निकलो आगे, आप या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करें, सीधे 4 मैचेस जीते ठीक है, फिर बाद में क्या होगा देखा जाएगा, अपनी पॉजिटिव ब्रेक, हम 2020 में क्यों अच्छे हैं, हम फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खुल के क्रिकेट खेलते हैं, या हम खुला अच्छा खेलते हैं, या हमें रोकना बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बीच का रास्ता कोई नहीं हमारे पास, हमेशा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वनडे के अंदर हम स्ट्रगल करते हैं, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे क्रिकेट कम खेली जाती है, 4-day और T20 सबसे ज्यादा हम लोग शौक से खेलते हैं, तो आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड से खेले, खुला खेले, आपकी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके जो आप चले, शायद आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे आखिरी आपने मुझे बताना कि आपकी कौन सी 4 टीमें हैं और कौन सी वो 2 टीमें हैं जो फाइनल खेलेंगी, 4 टीमें बता दें और 2 टीमें बता दें कौन सी खेलने वाली हैं फाइनल। 4 टीमें शिवी, इस वक्त जो नजर आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान, ये 4 टीमें अभी, हिंदुस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बस फाइनल किसका देखते हैं? फाइनल जो मुझे नजर आ रहा है वो इंडिया और इंग्लैंड। आपको लगता है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग और बॉलिंग टेस्ट होने वाली है भारत से? बिल्कुल बिल्कुल। आपको कौन सी टीम फेवरेट लग रही है दोनों में से? यार इंडिया को इसलिए, इंडिया ने बहुत ज्यादा क्रिकेट इंप्रूव किया, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिए, ठीक ठीक, इंडिया पहले स्ट्रगल करती थी बॉलिंग से, अगर आप बॉलिंग देखें, इवन कि उनके स्पिनर, फास्ट बॉलर, दे आर आउटस्टैंडिंग, नए बच्चे हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस से वो बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी बात है, पहले वेल बैलेंस टीम है इंडिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हिंदुस्तान, आपकी फाइनलिस्ट कौन है दो फिर, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या हिंदुस्तान? नहीं, मैंने आपको बताया ना फाइनल के अंदर इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया इंग्लैंड जी, शायद अफरीदी ने कह दिया जी इंडिया इंग्लैंड खेल रहा है फाइनल, अब ये बात लॉक कर ली, बड़ा खुशकिस्मत आदमी जो कहता है बात पूरी हो जाती है, तो शायद यार बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, और थैंक यू वेरी मच स्पेंडिंग यू नो स्पेंडिंग सम टाइम फॉर मी यार, गुड लक इन योर प्रोजेक्ट इन दुबई एंड गुड लक विद योर फाउंडेशन यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, पिंडी एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट्स फॉर श्योर।